हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैन के अवस्थी अवस्थी क्लासेस के इस वीडियो में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। देखिए, टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं, और वो टॉपिक ये है कि हम क्लास टेंथ के बाद कॉमर्स लें या नहीं लें, साइंस लें, मैथ्स लें, क्या लें। इस बारे में बहुत सारे बच्चे अभी भी परेशान हैं। बहुत सारे स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जिनके एग्जाम हो चुके हैं 2021-22 के, और CBSE के एग्जाम तो इस बार क्लास टेंथ के जून तक जाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम है। लेकिन बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जैसे बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के एग्जाम हो गए हैं और वो बच्चे अब परेशान होना शुरू हो गए हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर, अब क्लास 11th में हमें क्या सब्जेक्ट लेना है, या जिन लोगों ने कॉमर्स ले लिया है वो लोग अब इस बारे में मुझसे डिस्कशन कर रहे हैं कि सर, अब क्लास कब से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगी। टोटल फ्री क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। बहुत सिस्टमेटिक क्लासेस करने की हम यहां पर प्लानिंग कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी में दिक्कत ना हो, तो ये हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि क्लास 10th के बाद में हमें क्या करना है, क्या हमें कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, इसके पीछे हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो लोग भी परेशान हैं जो अभी CBSE में है और उनके एग्जाम अभी हुए नहीं है, मतलब उन्होंने क्लास 10th का एग्जाम अभी दिया नहीं है और इस बात की टेंशन उन्हें भी है कि अब 11th में जैसे चले जाएंगे क्लास 10th पास करके तो हमें क्या लेना है। इसके बारे में कुछ हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। सबसे पहले जो एक कॉमन बात होती है कि प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होती है, एक तो आप खुद कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं। सब्जेक्ट कमांड जो अभी आप क्लास 10th में पढ़ रहे थे उसमें मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स को अपना दुश्मन समझ रहे हैं, बचपन से ही उन्हें मैथ्स से दूर भागना है। उनमें से एक स्टूडेंट मैं भी रहा हूं। तो मैथ्स एक ऐसा फैक्टर है जो लोगों को पसंद नहीं है, उन्हें लगता है कि हम मैथ्स से दूर जाने के लिए क्यों ना ऐसे सब्जेक्ट ले लें जिसमें मैथ्स नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स में ठीक है, मतलब आपको मैथ्स मिलेगी लेकिन उस लेवल की मैथ्स नहीं मिलेगी जब आप टोटल मैथ्स स्ट्रीम में ही चले जाएंगे। तो कॉमर्स लेने के बाद में बेसिक मैथ्स, और वो मुझे लगता है कि आप लोगों को आती है, वो मैथ्स रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाएंगे, आप BCom करेंगे या प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, तो उसमें थोड़ी सी ट्रिकी मैथ्स भी रहती है, वो पोर्शन भी रहता है, लेकिन वो बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन रहता है। तो मैथ्स से नहीं घबराना है, जिससे आप बचपन से अपना दुश्मन मान रहे हैं उसे अलग करिए। आपके फैमिली जो मेंबर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, डेफिनेटली आपसे कई बार वो ऐसे सब्जेक्ट की उम्मीद करते हैं जिसकी तरफ आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं है, आप उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स को भी समझाना है, कन्विंस करना है। फैमिली मेंबर्स के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि उनके सराउंडिंग्स, उनके बहुत सारे जो फ्रेंड्स होते हैं और जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके बच्चे अगर मैथ्स या साइंस ले रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे कि क्यों नहीं हमारा भी बच्चा मैथ्स या साइंस ले ले। लेकिन अगर आपका उसमें मन नहीं है, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो ये आप ही हैं जो अपने पेरेंट्स को समझाएंगे कि भाई हमें नहीं लेना है, हमें ये सब्जेक्ट लेना है और इसकी ये वजह है, वो वजह आप बताएंगे। दूसरा, आपके जो फ्रेंड्स हैं ये भी कई बार आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। फ्रेंड्स हर टाइप के होते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल वैसा ही सोच रहे हैं जैसा कि आप सोच रहे हैं कि भाई हमें क्लास 11th में क्या लेना है, हम कंफ्यूज हैं, वो भी कंफ्यूज हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका माइंड सेटअप है और उन्होंने लिया है, उन्हें पता है कि हमें क्लास 10th पास करने के बाद में कॉमर्स ही लेना है, साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, व्हाटएवर, तो उन्हें पता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जिन्हें पता नहीं है और उनके फ्रेंड्स जो हैं उन्हें भी पता नहीं है, वो खुद कंफ्यूज हैं। अच्छा, यहाँ पे दो तरीके के फ्रेंड्स होते हैं। एक फ्रेंड्स वो होते हैं जो बिल्कुल सेम हमारे इंटेलिजेंस लेवल के होते हैं, एक वो होते हैं जो हम क्लास में बैठते हैं, अरे यार इससे तो बहुत जल्दी समझ में आ गया, मतलब उसका इंटेलिजेंस लेवल, डेफिनेटली IQ हम सबका अलग अलग होता है। तो आपको अपने फ्रेंड्स के सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर में नहीं जाना है कि मेरे फ्रेंड्स ने ये ले लिया इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, और आप कंफर्टेबल अपने आप को तब मानेंगे जब आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं क्लास 11th में उस सब्जेक्ट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो कि इसमें हम कहां तक जाएंगे, उसमें हम किस फील्ड में अपना करियर सेट करेंगे, मतलब करियर प्लानिंग आपकी पूरी होनी चाहिए, उसके कोर्सेस जो होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेस, एकेडमिक कोर्सेस, उसका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। क्योंकि आप क्लास 11th 12th तो पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे 11th 12th के बाद स्विच कर देते हैं कि अरे हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम दूसरा स्ट्रीम ले लेंगे। नहीं, आपको ये कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, जो पढ़ना है भाई हमें क्लास 11th से स्टार्ट करना है,
हम क्लास 11 से ही पढ़ाई करेंगे, और जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें हम कहाँ अपना एम सेट कर रहे हैं उसे ज़रूर आप सबसे पहले चेक कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम सीए कर लेंगे कॉमर्स के बाद में, बहुत कम परसेंटेज होता है सीए का। आप सेट करिए सिर्फ सीए, सीडब्ल्यूए, सीएमए, सीएफएस, ये ऐसे कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, लेकिन सिर्फ यही कोर्सेज नहीं है जो कॉमर्स लेने के बाद में आप सेट कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है और अब एक लेटेस्ट वीडियो मैं फिर से बना के अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, उसे देखने के में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ कुछ आपको आइडिया होना चाहिए कि क्लास 11th और 12th में, मतलब कॉमर्स लेने के बाद में, आप किस फील्ड में अपना करियर सेट करना चाहते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कहूंगा आपकी जो प्रॉब्लम है इसे शॉर्ट आउट करने में, इसे सॉल्व करने में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई आपकी हेल्प करेगा तो वो तो पहले आप खुद हैं कि आप अपना माइंड सेटअप कर चुके हैं कि आपको क्या लेना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा रियलिटी में आपकी हेल्प करेंगे वो होंगे आपकी हेल्प करने वाले आपके सीनियर्स, जो आप अभी क्लास 11 से पास होकर क्लास 12th में गए हैं, या जो क्लास 12th एग्जाम दे रहे हैं या क्लास 12th पास कर रहे हैं। इन लोगों से जरूर मिलिए, अगर आप इनसे बात करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जब उन्होंने क्लास 11th में कॉमर्स लिया था या सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर वो परेशान थे, तो उनकी जो मेंटेलिटी थी उस टाइम ठीक वैसी ही थी, वो भी ठीक उसी टाइप की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे जैसे आप अभी परेशान हो रहे हैं। ठीक आपको लगेगा कि ये तो अपनी कहानी नहीं बल्कि मेरी कहानी बता रहा है, वो भी वैसे ही परेशान थे, लेकिन वो सही लोग हैं, वो करेक्ट पर्सन हैं जो आपको बताएंगे कि देखो भाई मुझे भी परेशानी थी। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आप उनसे बहुत खुलकर डिस्कशन कर सकते हैं और वो आपको बताएंगे कि सेम प्रॉब्लम मुझे भी थी, मेरे भी पेरेंट्स कह रहे थे कि तुम ये मत लो, ये सब्जेक्ट ले लो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कलीग भी मुझसे कह रहे थे, लेकिन फिर मैंने यहां लिया। और आप उनसे पूछिए कि जब आपने इस सब्जेक्ट को लिया तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, स्टार्टिंग में कैसा लगा, आपने स्विच करने का तो नहीं सोचा, आप इसमें कहां कौन सा करियर सेट करना चाहते हैं, इसके क्या क्या, वो आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो सही में अगर आपकी कोई हेल्प करने वाला है तो वो आपके जस्ट जो आपके ऊपर के सीनियर्स हैं क्लास 11th और 12th में, जो क्लास 11 पास करके 12th में गए हैं और जो 12th अभी एग्जाम दे रहे हैं या पास कर गए हैं, उनसे मिलिए, उनसे डिस्कशन करिए, वो आपको बहुत सही सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। देखो यार, नेगेटिव बोलने वाले भी बहुत लोग हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये पढ़ने में कमज़ोर होगा इसलिए इसने कॉमर्स ले लिया है, कॉमर्स में क्या रखा है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। नहीं, आपको लोगों से दूर रहना है, वो आपका मतलब ब्रेन वॉश करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मुझे भी बहुत सारे लोग मिले थे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप हो सकता है साइंस लेने तो वो आपको कॉमर्स की तरफ अप्रोच करते, आप मैथ्स लेने तो आपको कॉमर्स और मैथ साइंस की तरफ अप्रोच करते, लेकिन नहीं, आपने जो सब्जेक्ट लेना है मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि उसका सही सिलेक्शन सिर्फ आप कर सकते हैं। ये है कि अच्छे लोगों से मिलिए, राइट पर्सन सेलेक्ट करिए कि ये मुझे सही तरीके से गाइड कर सकता है, और डेफिनेटली ये वीडियो भी आपको हेल्प करेगा। तो ऐसे लोगों से मिलिए और आप अपना माइंड सेटअप कर लीजिए आपको क्या सब्जेक्ट लेना है। अब हम मानते हैं कि आपने कॉमर्स ले लिया। अब कॉमर्स लेने के बाद हमें कॉमर्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कॉमर्स, जो टोटली आपको डे टू डे लाइफ में होने वाली बिजनेस एक्टिविटीज से और बहुत सारी एक्टिविटीज से कोरिलेट करता है, जोड़ता है, मतलब आप रियल प्रैक्टिसेस में इन सारी चीजों को होते हुए देखेंगे। तो मुझे तो बहुत पसंद है कॉमर्स, इसलिए मैंने लिया, इसलिए मैं पढ़ाता हूं, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, टोटल हमारे रियल लाइफ से रिलेट करता है, हम बहुत सारे इसमें चीजों को देखते हैं और उसे मतलब फील करते हैं, तो हमारे लिए समझने में भी आसान है, मतलब हम उसे करेंगे बुकिश लैंग्वेज के अलावा रियल प्रैक्टिसेस में होते हुए देखते हैं, तो वो हमारे लिए और ज्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ में वो चीजें समझ में आती हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कॉमर्स लेने के बाद में किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा आगे की बात नहीं करेंगे, आप वैसे ही भी कंफ्यूज हैं और कंफ्यूज नहीं करूंगा। जैसे ही आप क्लास 10th पास करते हैं, क्लास 11th में आते हैं, स्टेट बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, और वो सब्जेक्ट है, पहला है अकाउंट्स या अकाउंटेंसी। इसमें बहुत सारे लोगों को इस बात का भ्रम है, इस बात का डाउट है कि अरे अकाउंट्स में भी बहुत सारी मैथ्स होती है। नहीं, आपको जिसने भी ऐसा बताया है वो गलत आपको बता रहा है। अकाउंट्स में मैथ का पोर्शन बहुत थोड़ा सा होता है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन होते हैं, प्लस माइनस होता है, ये तो आपसे आता है, और थोड़ा मोटा मैथ्स तो देखिए रहेगा, लेकिन इतना ट्रिकी मैथ्स नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। तो एक आपको अकाउंट्स रहेगा, अकाउंट्स के अलावा आपका एक दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो थ्योरी पोर्शन रहेगा, ये अकाउंट जो है आपका न्यूमेरिकल रहेगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज का है, हम बिजनेस स्टडीज की बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे, बहुत सारे उसमें पॉइंट्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उन्हें पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा आपको। और जो थर्ड बुक है वो हमारी इकोनॉमिक्स की है, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसे मैं यहां पर बताऊंगा तो शायद नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा,
तो तीन कोर सब्जेक्ट हैं जो आपको क्लास 11th और 12th में पढ़ने हैं। पहला अकाउंटेंसी, दूसरा बिजनेस स्टडीज और तीसरा है आपका इकोनॉमिक्स, जिसमें अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है और थोड़ा मोड़ा पोर्शन इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन है, अदरवाइज बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का आधे से ज्यादा पोर्शन जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। ये हो गया। इसके अलावा जो फोर्थ नंबर का सब्जेक्ट है वो इंग्लिश रहेगा या हिंदी रहेगा, वो आप लेंगे, और फिफ्थ नंबर का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है जिसमें हम कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए और आपको फाइव सब्जेक्ट लेने हैं। बहुत बच्चे, उनको लगता है कि नहीं हमें कॉमर्स पढ़ना है लेकिन एडिशनल आप पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे एडिशनल में मैथ्स ले लेते हैं और भी अलग अलग सब्जेक्ट का एडिशन होता है। वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि स्कूल वाले वो परमिट करते हैं कि नहीं करते हैं। आप उस सब्जेक्ट को लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं और वो जो है एडिशनल सब्जेक्ट आपके लिए उस टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होता है, मतलब वो आपको एडिशनल नहीं दिखाता है, उसमें पास फेल होने का उसमें ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ये आप कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे मैथ्स लेते हैं, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे तो डरते भी हैं लेकिन बहुत सारे मैथ्स ले लेते हैं कि हम जब आगे जाके तैयारी करेंगे हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्टेट बोर्ड में हैं, स्टेट बोर्ड में भी हालांकि सरकार प्लानिंग कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि अब हम उसमें भी टर्म वन और टर्म टू एग्ज़ाम होंगे, लेकिन अगर आप CBSE में हैं तो आप स्टेट बोर्ड में हैं तो आपके लिए 100% मार्क का एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, ईयरली बेसिस पे होगा, मतलब एक साल में एक एनुअल एग्जाम। इसके पहले स्कूल में क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम होते रहते हैं, लेकिन अगर आप CBSE में हैं तो टोटल सिलेबस को तोड़ दिया गया है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 50% 50%। अब 50% सिलेबस जो है वो आपका टर्म वन में होगा, 50% सिलेबस आपका टर्म टू में होगा। इस 50% और इस रेस्ट 50% सिलेबस में आपके प्रैक्टिकल मार्क्स भी होते हैं जो आपके, क्योंकि क्लास 11th में इंटरनल्स होते हैं, आपके स्कूल के टीचर्स ही आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्लास 12th में बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं, वो प्रैक्टिकल कंडक्ट कराते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम में हमें भरपूर नंबर मिल जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल जो मैंने आपको बताया, तीन सब्जेक्ट अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स, इसमें 80 और 20 का रेशियो है, मतलब 80 मार्क्स जो है आपका टोटल पोर्शन रहेगा जो आपको एग्जाम में अटेंड करना है, प्लस 20 मार्क्स जो है आपको प्रैक्टिकल में है, और इसे हम प्लस करते हैं तो हो जाता है 100। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये टू टर्म्स में है तो 50% 50%, तो फर्स्ट जो 50% है टर्म वन में वो 40+10 और सेकंड टर्म में 40+10, तो वो 50-50 हो जाता है। ये करना है आपको। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, मन बना लीजिए क्लास 10th के बाद आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है, और आप कॉमर्स ले रहे हैं तो अवस्थी क्लासेस में आपको बहुत सारी हेल्प मिलती रहेगी, मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत सारे मैं आपके लोगों के लिए बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, पुराने भी वीडियोस मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नए सिरे से फिर से स्टार्ट करने वाला हूं अगर आप क्लास 11th में है और आप क्लास 12th में है, तो दोनों ही जगहों के लिए वीडियोस हम अपलोड करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा सा डाउट कम होगा, सीनियर से जरूर मिलिएगा जो मैंने आपसे बोला है, अपने आप से बात करिएगा, अपने पेरेंट्स को भी समझाइए, कन्विंस करिए उनसे, आप बस मतलब इस तरीके से जिद करके मत बैठिए कि आप तो हमारे पीछे पड़ गए। कन्विंस करने से, उन्हें समझाने से हर कोई मान जाता है, और नेगेटिव लोगों से बचिए जो आपको बार बार कह रहे हैं क्या सब्जेक्ट ले रहे हो तुम, पढ़ने में लगता गधे हो, इस तरीके की बातें भी हो जाती है, इस तरीके से नहीं सोचना है। तो करते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं अवस्थी क्लासेस में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और मैं आप लोगों के लिए बहुत भरपूर स्टडी मटेरियल के साथ में बहुत जल्दी नए सेशन की तैयारी कराने के लिए आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।